सो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी से बड़ा बेहतर और इंपिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का नोटिफिकेशन न्यू रिक्रूटमेंट का फाइनली आउट हो चुका है। हो सकता है आपको ऑफिशियल अभी न देखने को मिले, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर अगर नहीं हो आप सभी तो सर प्लीज़ पहला नंबर तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से यहाँ पर मैं आप सभी को अपडेट करता रहता हूँ पहले से पहले। और 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट है जो 18 अक्टूबर रहने वाला है, ठीक है? कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे 10 जून हाँ देखने को मिल जाएगा जल्दी। ओके, मैं यहाँ पे आप सभी को पहले नंबर तो बता देता हूँ, जिन्होंने ऐसे मत सोचना कि कुछ भी नए नए कैंडिडेट होते हैं उनको ऐसा लगता है, मैंने वेरीफाई करके किया है। ओके, बाकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन डेट है जो 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में होगा। इनटेक आपका 02/2025 है। 1% वो जो कैंडिडेट हैं जो फेक समझ रहे हैं सर प्लीज़ आप मत देखिए वीडियो, मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक दो दिन वेट करिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद 8 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे और उसका एग्जाम डेट आपका 18 अक्टूबर यहाँ पर रखा गया है। आगे अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है सब फेयर होता है, ये चीज़ हमें बता रखी है। कुछ अगर चेंजमेंट है तो मैं यहाँ पर सारा का सारा बताता हूँ, ठीक है? चलिए, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। सिलेक्शन टेस्ट है, नॉट फॉर सिलेक्शन एज अ कमीशन ऑफिसर, एयरमैन के लिए भी नहीं है, एज अग्निवीर ट्रेड यहाँ पे हमें बुलाया गया है। फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं तो 8 जुलाई 2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, 28 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जो रखी गई वो 3 जुलाई 2004 से लेकर के 3 जनवरी 2008 के बीच का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रखा गया है। 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच का डेट ऑफ बर्थ, मतलब इनके बीच में जो भी कैंडिडेट होंगे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका जो इनरोलमेंट लिस्ट आता है, मतलब सर पहले PSL आता है फिर इनरोलमेंट लिस्ट आता है, अगर उस लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। मैरिटल स्टेटस एंड ठीक है, ये कोई इतना मतलब आप शादीशुदा नहीं हो यार, सिंपल सी बात है, ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, आप 10+2 पास होने चाहिए, उसके बाद मैथ फिजिक्स एंड इंग्लिश से होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब आपके 50% नंबर आए होने चाहिए और इंग्लिश में 50% नंबर होने मस्ट है। ओके, इंग्लिश में 50% नंबर होने, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में 38 नंबर है, 36 है, 49 है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इंग्लिश में 50 होने चाहिए ओवरऑल 50, मैथ्स में आपके कम है चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बट 50% से ज़्यादा होने चाहिए। सेम टू सेम डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे पॉइंट बात मेंशन कर रखे हैं। अदर देन साइंस वालों की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, अदर देन साइंस मतलब होता है 10+2 आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है? और अदर देन साइंस का मतलब होता है सर वाई ग्रुप और साइंस का मतलब होता है एक्स ग्रुप, ठीक? आप दोनों ग्रुप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फॉर्म एक ही फिल करेंगे, आपको पेपर दोनों को देने को मिल जाएगा। ओके, क्योंकि आप एक्स एंड वाई दोनों के लिए साथ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा, ये मैं जब से नोटिफिकेशन वगैरह बता रहा हूँ, शायद मेरी जानकारी में 14-15 नोटिफिकेशन होगा स्पेशली एयरफोर्स का, जब से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, परसेंटेज वगैरह जो होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट डालना होता है, जैसे 40.99 है ऐसे हैं तो आप वहाँ पे 49% लिखिए, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल वगैरह के लिए बात बता देंगे। मेल कैंडिडेट का हाइट खैर इसमें नेवी के कंपेयर में यहाँ पे बढ़िया है, ठीक है? यहाँ पे नेवी के कंपेयर में हाइट वगैरह को छूट दे दी गई, नेवी में 157 हाइट कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। ओके, चलिए, मेडिकल से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन मैं बाद में आपको बता दूंगा, आप ड्रग्स वगैरह नहीं लेते हैं यार, बॉडी टैटू बाद में बता देंगे, अभी का ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब 25% कैंडिडेट यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे, वो चीज़ भी है। ऑन बींग इनरोल्ड अग्निवीर विल बी इंपॉर्टेंट मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स, लीव वगैरह भी यहाँ पे दे रखा है, आपको 30 दिन का लीव मिलेगा, सिक लीव आपको मिलेगा अथवा मेडिकल अथॉरिटी के कहने पे, मेडिकल एंड CSD फैकल्टी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, PN अलाउंसेस वगैरह मेंशन कर रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं सिंपल सा बताता हूँ, ये सब इतना नहीं, जब आपका ट्रेनिंग होगा यार सीधा आपके खाते में 21,000 हर महीने 29-30 तारीख को आएंगे, बस पहले साल में, फिर दूसरे साल में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तीसरे साल में और बढ़ जाएगी, चौथे साल में और बढ़ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये आपके खाते में जुड़ते जाएंगे, अपने आपको बाद में मिल जाएंगे, ठीक? आगे इंश्योरेंस डेथ एंड डिसेबिलिटी, ठीक है, स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके,
इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो सिक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट होता है, एडमिट कार्ड आपको 48 से 72 घंटे cdac.in पर जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम सेंटर जाएंगे, वहाँ पे आपको पेपर होगा, जो केवल एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल करेंगे उनको देने को मिलेगा। 60 मिनट का टाइम और 3 सेक्शन होंगे, फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। इन दोनों के क्वेश्चन होंगे 25-25 और मैथ के 25 और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे सर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ अदर देन साइंस में 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे। इसका मैं आपको बैच भी करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश ऑलरेडी मैं करवा रहा हूँ, इंग्लिश रीजनिंग मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, इंग्लिश रीजनिंग ही मिला के आपका आ जाता है 35 नंबर का, ठीक है। जीके भी अपन करवा रहे हैं, इंग्लिश रीजनिंग जीके, बस अदर देन वो मैथ्स बचती है, ठीक है, अपन वो भी करवा देंगे, नथिंग टू वरी, ओके। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट की ओर। निगेटिव मार्किंग 0.25 का रखा गया है। आगे 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 ठीक है, फेज़ टू मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेज़ टू में क्या कैसे होता है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, क्या क्या लेके जाना होता है। अभी फेज़ टू अच्छा बताओ क्या करना है जान के। ओके ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी उतना ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT की बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करने पड़ेगा और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद आपको 10 पुशअप्स करने होंगे, 10 सिटअप्स करने होंगे, 20 स्क्वाट्स करने होंगे मेल कैंडिडेट को, और 10 मिनट का यहाँ पे गैप भी मिलने वाला है। वो चीज़ हमें यहाँ पे बता रखा है, इधर 2 मिनट का गैप मिलेगा, इधर 2 मिनट का गैप मिलेगा, यहाँ पे 10 मिनट का गैप मिलेगा। 10 पुशअप्स 1 मिनट में लगभग कंप्लीट करवा देंगे, 10 सिटअप्स 20 स्क्वाट्स। मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो मेल कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे आउट होते हैं पुशअप में, और जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं वो आपका आउट होता है रनिंग में। इंडियन एयरफोर्स का सिस्टम यही है, मैं जानता हूँ। वो लोग पता है जानते हैं कि लड़के रेस में बाहर होंगे नहीं, क्योंकि 7 मिनट में मोस्टली हिट ही कर लेते हैं, लेकिन वो पुशअप में फिर होल्ड करा देते हैं तो फिर लड़के वहाँ पे बाहर हो जाते हैं। लड़कियाँ सिंपल सा होता है वैसे नहीं बाहर होंगी, लेकिन 8 मिनट में रनिंग करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप उनको 10 सिटअप्स एंड 15 स्क्वाट्स करने होंगे। यहाँ पे 10 मिनट का गैप मिलेगा, यहाँ पे 2 मिनट का गैप मिलेगा, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कंसेंट फॉर्म वगैरह लेके जाना होता है 18 साल से अगर आप कम एज के, इस टेस्ट 2 में लेके जाना होता है, ये अभी नहीं है। 82 टेस्ट क्या होता है, GD टेस्ट होता है, ठीक है। ये आप एयरफोर्स के इन्वायरमेंट में खुद को सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वही आपका GD टेस्ट होता है। इसकी भी मैं प्रिपरेशन आप सभी को करवाता हूँ, लास्ट टाइम भी करवाया था, अभी भी करवा रहे हैं, और इस वाले बैच का। फिर थर्ड मेडिकल एग्ज़ाम ऑलरेडी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेडिकल होना नहीं है तो क्या ही बताना। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10+2, ठीक है, इतना मैंडेटरी नहीं है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो 550 रुपये आपका फीस रखा गया है, 550 रुपये फीस आपका रखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ, रिफंड लिखा है क्या? नहीं, वो रिफंड नहीं करेंगे। ज़्यादा बार कोशिश मत करना कि एयरफोर्स को रुपये देते चले जा रहे हो। बाकी बस यही है, और कुछ खास है नहीं। यहाँ पे इन्होंने इरेलीवेंट बातें लिख रखी हैं, आपके टाइप की नहीं है यार। सेंटर फॉर फेस स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड विच में और मे नॉट बी एज पर चॉइस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। अब स्टेज फर्स्ट स्टेज टू का जो सेंटर होता है वो जरूरी नहीं कि आपके चॉइस के अनुसार ही आपको मिले। COVID-19 के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैंडिडेट के लिए, जो सिलेक्शन टेस्ट मतलब ठीक है, कोविड का क्या ही रोल है, वहाँ पर कुछ रोल नहीं है। PSL लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो आपको जो PSL लिस्ट आएगी वो 14 मई को आएगी। 14 मई से पहले आपसे भी बिल्कुल आतंक काट देंगे, भैया कितना मेरिट जाएगा प्लीज़ बता दीजिए भैया, ठीक। उसके बाद आपका इनॉलमेंट लिस्ट उसके बाद 10 से 12 दिन बाद आ जाएगा, यहीं पे कहीं पे मेंशन कर रखा होगा, ये देखो मेंशन कर रखा है, 30 मई को इनॉलमेंट लिस्ट आ जाएगा। ये लिस्ट होती है आपकी फाइनल लिस्ट। इस लिस्ट में अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, सारी लिस्ट में आपको लिख के आ जाता है मेन कैंडिडेट और स्टैंड बाई कैंडिडेट। अगर आप मेन में आते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन, आप सभी के साथ में शेयर कर दिया। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन का सर यूज करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ तक शेयर कर सकते हो। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, वहाँ पर आप सभी के साथ में सब कुछ शेयर करते रहते हैं और आप सभी को सब कुछ बताते रहते हैं। और कोई डाउट या क्वेरी हो तो जरूर शेयर करिएगा। टिल देयर टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।